हेलो व्यूअर्स, गीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी मूली के परांठे। उसके लिए हमें जो चाहिए आप नोट कर लीजिए, कद्दूकस करी हुई मूली, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, बारीक कटा प्याज मीडियम साइज, लाल मिर्च, नमक, बारीक कटा हरा धनिया। मूली को आप लेंगे इस तरह से, आप अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ऐसे। मूली को धो के फिर आपने मूली को कद्दूकस करना है ऐसे। कद्दूकस करी हुई मूली को अच्छी तरह से दबा के उसमें से पानी आपने निकाल लेना है ऐसे करके। पूरी तरह से पानी निकाल के अब हम इसको प्लेट में फैलाएंगे और इसमें डालेंगे आधा टेबलस्पून अमचूर पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला, नमक आधा टेबलस्पून स्वाद अनुसार, हरा धनिया, बारीक कटा प्याज, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा टेबलस्पून, लाल मिर्च स्वाद अनुसार या 1/4 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं और बारीक कटा हुआ या फिर क्रश्ड किया हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, जैसा किसी का स्वाद है उसी अनुसार हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब हमारा मिक्सचर तैयार है, अब हम परांठा बनाएंगे इसका। इसको अच्छी तरह से आपने सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। अब हम बनाएंगे इसकी परांठी। अब हम गैस जलाएंगे तवा गरम होने के लिए और हम रोटी बनाएंगे। आटा लेके दो छोटे छोटे पेड़े लेके पहले इसको बेलेंगे इस तरह से, इसको साइड पे रख देंगे। एक छोटा सा और लेंगे, इसकी छोटी सी रोटी बनाएंगे ऐसे। अब हम मिक्सचर को डालेंगे। अब हम मिक्सचर हाथ में लेके उस पर रोटी पे थोड़ा थोड़ा फैलाएंगे। भरने के लिए आप बस मिक्सचर जो है कम या ज्यादा भी ले सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसे चारों तरफ फैला के। तो दूसरी छोटी बेली रोटी इसके ऊपर ऐसे रख के इसको साइड से दबा देंगे। डबल रोटी में मिक्सचर डालने से क्या है कि मसाला आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा ऐसे। इसको अच्छे से दबा के इसको धीरे धीरे बेल लेना। इस तरीके से मूली की रोटी बनाने से आपकी मूली बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और बहुत अच्छे से बनेगी ऐसे। लीजिए रोटी तैयार है। अब हम तेल डालेंगे तवे पे। तेल भी डाल सकते हैं आप, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज किया है क्योंकि मूली की रोटी स्पेशली सरसों के तेल में ज्यादा अच्छी बनती है ऐसे। अब हम रोटी को पलटेंगे ऐसे और उतनी देर में हम दूसरा रोटी का जो है तैयार करेंगे मिक्सचर के साथ आटे को लेके ऐसे थोड़ा सा बेलेंगे पहले। ये सिंगल वाला है, वो वाली डबल रोटी से बनाया गया था। दोनों तरीकों से बन सकता है, मैंने आपको दोनों ही तरीके बताए हैं ऐसे। इसको लेके आप ऐसे भी रोटी को बना सकते हैं मसाला डाल के। डबल रोटी लेने से मसाला बाहर नहीं निकलेगा, इसमें थोड़ा सा बाहर निकलने का डर रहता है ऐसे। उसको बेलना है आपको धीरे धीरे प्रॉपर दबा के उसको पहले। अब हमारी रोटी इधर भी तैयार होगी, इसको पलटेंगे, गैस को थोड़ा सा कम कर लेंगे और घी से इसको
अच्छी तरह से आपने चारों तरफ से दबा देना घी लगाने के बाद और उसको पलट देना। लीजिए हमारे मूली का परांठा तैयार है। अब हम दूसरी रोटी बेलेंगे। अब हम सिंगल पेड़े वाली रोटी को बेलेंगे ऐसे। रोटी को बेलते वक्त ज़्यादा दबाना नहीं तो मसाला बाहर आने का डर रहता है। रोटी हमारी बेलने के बाद हम तवे पे डालेंगे ऐसे। रोटी को पलटेंगे ऐसे, दोनों तरफ से पक जाए इसलिए एक दो बार रोटी को पलटना है आपको। कुछ देर बाद आपको फिर से उल्टा करके हम इस पे घी लगाएंगे। ये मस्टर्ड ऑयल लगाया मैंने। घी लगाने के बाद हम रोटी को पलटेंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ से प्रेस करेंगे। देखिए लाए ऊपर से ब्राउन होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि रोटी हमारी रेडी है। धीरे से हम इसको प्रेस करेंगे फिर से और हम रोटी को उतारेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे मूली के परांठे तैयार हैं। आप दही के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं आप इसके साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।